फलक शफक की लड़ाई पर बोली मम्मी, कहा हुई थी मिसअंडरस्टैंडिंग, मानी अपनी गलती। फलक नाज बिग बॉस OTT2 के घर में है। स्टार्टिंग के पहले हफ्ते में वो घर की कैप्टन बनी, लेकिन बाद में उनका गेम स्लो डाउन होता गया और इस वीकेंड का वार में सलमान खान द्वारा उन्हें जगाया गया। अब फलक ने अपना गेम सुधारा है। वही वीकेंड का वार में फलक को सपोर्ट करने उनकी बहन शफक आई थी। ये बहनों की जोड़ी कमाल है, लेकिन सालों पहले दोनों के रिश्ते में दरार आ गई थी। यहाँ तक कि शफक घर तक छोड़कर चली गई थी, लेकिन बाद में दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया। अब इस बारे में फलक की मम्मी ने चुप्पी तोड़ी। सिद्धार्थ करण को दिए गए इंटरव्यू में फलक की मम्मी ने कहा, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, हर बच्चे की एक पर्सनालिटी रहती है। शफक पहले से ही इंट्रोवर्ट रही है, उस वक्त उसकी उम्र कम थी तो चीजों को लेकर रोक टोक होती थी और उसे जिंदगी अपने हिसाब से जीनी थी, उसे इंडिपेंडेंट होना था। मैं उसे थोड़ा रोका करती थी, हर बात माँ बाप या फिर बच्चे सही नहीं होते। मेरी बच्ची घर छोड़कर चली गई थी तो उसमें गलती मेरी भी थी जो मैंने उस वक्त एक्सेप्ट नहीं किया था। मुझे शफक को फलक के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए था। पेरेंट्स और बच्चों के बीच जब क्लैश होता है तब रिश्ते बिगड़ जाते हैं। हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। वेल, पास्ट में जो कुछ भी हुआ हो, फलक की फैमिली अब साथ है और खुश है। आपका क्या कहना है इस खबर को लेकर, बताइए अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में और देखते रहिए टेली मसाला।